गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विकास जैन गौतम आईएएस एकेडमी से लूसेंट मिसलेनियस का सेशन हम लेकर आ गए हैं। आज का टॉपिक है अवार्ड्स, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग आ जाएं जल्दी से। जय हिंद दिव्या मैम। जय हिंद यशवंत सर। जल्दी से आ जाएं सभी लोग। जो लोग भी आते जा रहे हैं प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे। जय हिंद सजल, सोनम जी जय हिंद। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को शेयर कर दें। कल हमारी क्लास नहीं थी, उसकी वजह से कुछ लोगों को अभी पता नहीं होगा कि आज क्लास है कि नहीं, इसी वजह से आप लोग शेयर कर दें। सतीश जी जय हिंद, वेलकम। अजीश जी, सोनल जी जय हिंद। आज हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने अवार्ड्स पढ़ाए थे आप लोगों को परसों, कोकिल मैम जय हिंद, उससे एमसीक्यू रहेंगे। और ये विश्वास माने हमारा जो टॉपिक बाय टॉपिक मिसलेनियस चल रहा है, इसके हम एमसीक्यू जो कर रहे हैं, यही एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, आज अवार्ड्स का एमसीक्यू पार्ट वन रहेगा, कल पार्ट टू रहेगा, और उससे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। प्रदीप जी गुड आफ्टरनून, सूर्यकांत जी जय हिंद, सदाब जी गुड आफ्टरनून। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकें, बाकी लोग भी जुड़ जाएं जल्दी से। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर दें। और जिसने भी हमारा गौतम आईएएस एकेडमी पेज लाइक नहीं किया है वो पेज को लाइक कर दें। जय हिंद दिव्यांशी मैम, शिवम जी जय हिंद। सजल अवार्ड्स, अवार्ड्स अधिकतर करंट से भी आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं उसके एमसीक्यू, एंड जो रिलेटेड हैं, जैसे आज मैं कॉमन क्वेश्चंस करूंगा, करंट वाले क्वेश्चन नहीं करूंगा, जो तो जो अवार्ड्स हैं उसमें से क्वेश्चन करंट के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन है कॉमन वो तो बेसिक है, वो तो आता ही आता है, वो सभी से बन जाता है। सचिन जी हेलो, ठीक है बढ़ते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी लोग भी आ जाएंगे, आप लोग वीडियो शेयर कर दें जिससे बाकी लोग आ जाएं, सभी लोग आ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें आप लोग जिससे सभी लोग आ जाएं। उमेश जी वेलकम। ठीक है बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, मैं साथ में समझाते भी जाऊंगा। जयहिंद राम सर, मैं साथ में समझाते भी जाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ में। इसके पहले अवार्ड्स का हमारा एक सेशन हुआ था परसों, जिसमें मैंने आप लोगों को बस याद कराया था, जिसमें मैंने आप लोगों को याद कराया था ट्रिक से, पूरे के पूरे अवार्ड्स याद करा दिए थे कि कौन सा अवार्ड्स, जैसे एग्जांपल में कलिंग पुरस्कार है किस लिए दिया जाता है, तो मैंने याद करा दिया था कि कॉलिंग, कॉलिंग किसकी वजह से संभव हो पाई है, विज्ञान की वजह से, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रदीप जी जय हिंद। ठीक है तो ये चीज़ें मैं याद करा चुका था आप लोगों के कहने पर ही, एमसीक्यू लेकर आया हूँ, और ये पूरा एनालिसिस है, ये हमारे पार्ट दो में कन्वर्ट रहेगा, इससे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करंट चेंज होता जाएगा तो करंट अलग रहता है। सोनम जी जय हिंद, सिया जी जय हिंद, गुड आफ्टरनून राम सर, स्वाति जी जय हिंद। ठीक है बाकी सभी लोग आ चुके हैं, राखी जी जय हिंद, देव सर जय हिंद, बाकी सभी लोग आ चुके हैं। फिर से बोल रहा हूँ सभी लोगों से वीडियो को शेयर कर दें जिससे आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकें, आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकें, इसीलिए वीडियो को शेयर कर दें, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी। श्रद्धा मैम मैं थोड़ा लाउडली बोलूँगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू देव। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहला क्वेश्चन
ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे हमारे, 12:30 का मैंने लिख दिया था, लेकिन ये शायद हो सकता है 1 बजे तक क्लास जाए हमारी। जय हिंद कृति मैम। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दे रहा हूँ, पर्यावरण के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिल्म जगत में या साहित्य में। जी सजल, मैं स्लो चलूँगा, है ना, आप राइटिंग भी कर सकें, ठीक है, लिख लेना आप। प्रवीण जी, जय सिया राम प्रवीण। ठीक है, दिव्या मैम क्या बोलना चाह रही हैं आप? साइंस के, सोनल जी साइंस जी बोल दिया ऑप्शन, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में आंसर दिया दिव्या मैम ने, सोनल जी ने, स्वाति जी ने, यशवंत जी ने बी आंसर दिया, विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन था पर्यावरण के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिल्म जगत में या साहित्य में। दिव्या मैम, सोनल जी, स्वाति जी, यशवंत जी ने बोला है विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस, इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में। प्रवीण जी बोल रहे हैं साहित्य, शिवम जी बोल रहे हैं साइंस, कुमार सर बोल रहे हैं साइंस। जिसने भी मेरा पहला सेशन देखा है वो क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, मैंने सारे याद कराए थे, इवन ट्रिक से रिलेट करके शब्दों के साथ खेल के हमने याद कर लिया था। प्रदीप जी बोल रहे हैं, श्रद्धा जी, देव जी, श्रद्धा मैम बोल रही हैं, विवेक सर बोल रहे हैं साइंस, पूजा मैम बोल रही हैं, जय हिंद पूजा मैम। बाकी लोग भी आंसर करें, बाकी लोग भी आंसर करें। प्रदीप सर साइंस बोल रहे हैं, अर्श जी साइंस बोल रहे हैं, जी तिवारी सर करेक्ट हैं। जी सजल, मैंने ऐसे ही याद कराया था, नगर बनाने के लिए साइंस की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सजल, आपको ट्रिक याद है। सूर्यकांत जी विज्ञान, विवेक जी भी, शोभना जी साइंस बोल रही हैं, प्रताप सिंह जी साइंस, सोनम जी साइंस, विवेक सर, सदब जी। मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ, आप लोगों के सभी करेक्ट हैं आंसर, आंसर है साइंस की, वेरी गुड। मैंने याद करा दिया था कि भटनागर नगर बसाने के लिए हमें विज्ञान की मदद लेनी पड़ेगी, तो विज्ञान के क्षेत्र में आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे अवार्ड से, और वही क्वेश्चन, बिलीव माने, आप लोग विश्वास करें, ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आज पार्ट 1 है हमारा अवार्ड्स एमसीक्यू का, कल हमारा पार्ट 2 रहेगा, अवार्ड्स एमसीक्यू का कल पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, जो 12 से 1 बजे तक के लिए रहेगा। सेकंड क्वेश्चन मैं रिलीज करता हूँ, सभी लोगों के आंसर सही हैं, 100% सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है पहला सेशन। थैंक यू सजल, आपकी सब ट्रिक याद हो जाती है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दे रहा हूँ, साहित्य के लिए मतलब लिटरेचर, सेकंड कृषि के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड है खेलों में, और फोर्थ है विज्ञान के क्षेत्र में। सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, कृषि के क्षेत्र में, थर्ड खेलों में या फोर्थ विज्ञान के क्षेत्र में। दिव्या मैम ने आंसर किया है ए, मतलब साहित्य में बोला है ज्ञानपीठ पुरस्कार को, स्वाति मैम ने बोला है साहित्य, देव सर बोल रहे हैं साहित्य, शिवम जी बोल रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, विवेक सर ए बोल रहे हैं, यशवंत जी भी ए बोल रहे हैं। बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं साथ में जितने भी टफ क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं उसका ट्रिक रिलेट करना, समझाना, वो भी साथ में चलूंगा। एमसीक्यू मतलब आपके याद भी होना चाहिए पूरा, ज्ञानी लोग ही लिटरेचर लिख पाते हैं, ठीक है। सजल जी आपको ट्रिक याद है, ठीक है। प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं साहित्य, सोनम जी, दिव्यांशी मैम, नीतेश सर, सूर्यकांत जी, शिवम जी, उपाध्याय सर साहित्य बोल रहे हैं, राखी मैम ए साहित्य बोल रहे हैं, शोभना जी ए बोल रहे हैं, विवेक सर बोल रहे हैं साहित्य, सिया मैम साहित्य, अर्श सर बोल रहे हैं लिटरेचर, पूजा मैम साहित्य बोल रही हैं, जी दिव्या मैम करेक्ट। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं, मैंने याद कराया था कि ज्ञानी लोग ही साहित्य लिख पाते हैं, ज्ञानी लोग ही लिटरेचर लिख पाते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका रहेगा साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, बहुत ही अच्छा, सभी लोगों ने अच्छे से सुना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ लें, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, उनका भी बहुत ही बेनिफिट होना चाहिए साथ में, इसीलिए वीडियो को शेयर करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है अपने FB पेज पे आप लोग वीडियो को शेयर कर दें,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? कोकिल मैम आपका आंसर अभी नहीं आया मुझे, आप आंसर कीजिए, आपके आंसर मिलेंगे मुझे। क्वेश्चन सुने, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कार, नोबल पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार। जी कुछ लोगों के आंसर लेट आ रहे हैं बट मुझे मिल रहे हैं, अमीषा जी, स्वप्ना जी, ठीक है, कुछ आंसर लेट आ रहे हैं बट मुझे मिल जा रहे हैं, ठीक है। भारत रत्न के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ठीक है, अगर पहला सम्मान ऑब्वियसली भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न सम्मान है, सभी को पता है, तो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ऑप्शन, गांधी शांति पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, नोबल पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार। कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो हमारा होता है भारत रत्न पहला, उसके बाद दूसरा कौन सा है सबसे बड़ा सम्मान? गांधी शांति, पद्म पुरस्कार, नोबल पुरस्कार या मैन बुक। जी पूजा मैम ने, राम जी ने, प्रताप जी ने, अर्श जी ने आंसर दिया है, विनीता जी ने दिया है, विवेक जी ने दिया है, सूर्यकांत जी ने दिया है, मैन बुकर बोल रहे हैं, देव जी भी बोल रहे हैं, सोनम जी भी बोल रहे हैं, पदम, अजेश जी भी बोल रहे हैं, एंड टू अदर्स आर वॉचिंग जी, श्रद्धा जी, विवेक सर बोल रहे हैं पद्म पुरस्कार। मैं रिलीज कर देता हूँ आंसर, आंसर है पद्म पुरस्कार, ठीक है, ये तीन होते हैं पद्म पुरस्कार, कितने आपके? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। आपके दूसरा, मैं इसको रिलेट करा देता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन इसके पहले जी पद्मश्री, जी पद्म पुरस्कार, जी करेक्ट है, सभी लोगों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुना, इसके बाद फिर मैं इसका डिटेल बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने, फिर इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाते हैं। भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, ऑप्शन भी ध्यान से सुनना। भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या उपरोक्त सभी। फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फिर इसको समझेंगे हम अच्छे से गहराई में। भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या उपरोक्त सभी। क्योंकि इसके पहले हमने देख लिया कि भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म पुरस्कार है, लेकिन उसके अंदर भी तीन देख रहे हैं। अब उसके अंदर से पूछ रहे, सजल जी बोल रहे हैं ऑल अबव, देव जी बोल रहे हैं डी, मतलब सभी बोल रहे हैं, ठीक है, दिव्या मैम डी बोल रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन अच्छे से सुन लें, कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन ध्यान से सुने, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जल्दबाजी में हमारे आंसर गलत होते हैं। भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात कर रहा हूं मैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या उपरोक्त सभी। राम जी भी बोल रहे हैं, पद्म भूषण बोल रहे हैं, सिया जी पद्म विभूषण, नवल जी बोल रहे हैं, श्रद्धा मैम डी, ऑल ऑफ दी, सोनल जी, दिव्यांशी, श्रेया मैम वेलकम, जुड़ चुके हैं, अर्श जी, प्रिंस जी पद्म भूषण बोल रहे हैं, सूर्यकांत सर, कीर्ति मैम पद्म विभूषण बोल रही हैं, ठीक है, मैं रिलीज कर देता हूँ आंसर। सभी लोग, कुछ लोग करेक्ट हैं, कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, है ना। प्रदीप सर बोल रहे हैं पद्म विभूषण, नीतेश जी बोल रहे हैं पद्म विभूषण, विभूषण जी बोल रहे, प्रिंस जी, ऑप्शन डी, सदब सर बोल रहे हैं, सजल सर मे बी ए, मतलब पद्म विभूषण बोल रहे हैं सजल, शशिकांत, ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। बताना चाहता हूं जो आपका है भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्म विभूषण, वेरी गुड उपाध्याय सर, ठीक है, अजय सर, सिया मैम, ठीक है, करेक्ट, 50% लोगों का सही है, कुछ लोग कंफ्यूज थे। देखो मैं इसको समझा देता हूं, जो पद्म विभूषण है वो आपका द्वितीय नागरिक सम्मान है। देखो याद रखें, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद में द्वितीय नागरिक सर्वोच्च सम्मान आपका कौन सा है? पद्म विभूषण है। इसके बाद में पद्म भूषण भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है,
पद्म भूषण की बात करें तो तृतीय नागरिक सम्मान है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पहला भारत रत्न, सेकंड द्वितीय नागरिक सम्मान आपका पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा जो पद्मश्री है वो भारत का चतुर्थ नागरिक सम्मान है। पद्मश्री जो है वो है चौथा, कौन सा है, भारत का चतुर्थ नागरिक सम्मान है। चारों को याद रख लें आप लोग एक साथ, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री, मतलब चतुर्थ नागरिक सम्मान आपका पद्मश्री है। जय हिंद सुरेंद्र सर। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, भारत रत्न नागरिक सम्मान हर तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 5, 4, 7 या 6? जी प्रिंस सर, सही है आपका, 50% लोगों के सही थे, लोग थोड़ा कंफ्यूज थे इसलिए मैंने उसको गहराई में सब पूरा क्लियर कर दिया। क्वेश्चन हम क्लियर करते हुए ही जाएंगे, क्वेश्चन जो भी होंगे उसको हम डिटेल में समझते हुए जाएंगे, ठीक है। और एमसीक्यू के बाद में यदि जरूरत पड़ेगी तो हम एक सेशन और रख लेंगे अवार्ड्स का, जिसमें फिर से मैं ट्रिकी तरीके से बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 5, 4, 7 या 6? कोकिल मैम 5 बोल रही हैं, दिव्या जी, सोनम जी, विवेक सर, अगर किसको पता है तो वो लोग लिख भी सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जो 5 बोल रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र। सूर्यकांत सर, अजेश जी, कुमार जी 6 बोल रहे हैं, सिया जी 5 बोल रही हैं, क्योंकि हमें पता है पहले 5 क्षेत्रों में आंसर रिलीज कर देता हूं मैं। जी अर्ष सर, मैं पहले पता है पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, उसके बाद में एक और क्षेत्र ऐड हो गया था। पहले आंसर रिलीज कर देता हूं, आसान सा क्वेश्चन है। नवल सर, प्रदीप जी, शिवम जी, 6 क्षेत्र करेक्ट है आंसर, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, सभी को पता है। जब मैंने नोबेल पुरस्कार इसके सेशन में पढ़ाया था तो बता दिया था मैंने कि आपका कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्तमान में 6 हो गए हैं जी देव सर, है ना, आंसर है आपका 6। सुरेन जी करेक्ट हैं आप, श्रद्धा जी, देव सर, सभी लोग करेक्ट हैं। पता है अर्थशास्त्र, साहित्य, साहित्य विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, शांति, इकोनॉमी। जी सोनल जी ने लिख भी दिया है, साहित्य विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और इकोनॉमी के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। मैंने याद भी कराया था एक बार विश्व में प्रथम में याद कराया था आप लोगों को, कि पूरा याद करा दिया था, शांति दूना पीस, दूना अंत और पासी को मिला था। साहित्य में सही से पूरा करो, पुर दो, चिकित्सा, बहरे लोग चिकित्सक के पास जाएंगे तो बहरंग को चिकित्सा में मिला था। भौतिकी, रॉयंटजन, एक्सरे की खोज रॉयंटजन ने की थी, तो रॉयंटजन, और आपका विश्व में जो मिला था वहां पे याद करा दिया था कि किस क्षेत्र में सबसे पहले कौन कौन पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, नोबल पुरस्कार से। तो नोबल पुरस्कार आसान सा क्वेश्चन है जो आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जी सभी लोगों का करेक्ट है आंसर, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति का नोबल प्राइज कहाँ दिया जाता है, थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों के लिए लेकिन गहराई में जिसने पढ़ा है उससे बन जाएगा। शांति का नोबल प्राइज कहाँ दिया जाता है, फिर इसको मैं गहराई में पूरा बताऊंगा। पहले ऑप्शन देखें, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस या कनाडा। शांति का नोबल प्राइज कहाँ दिया जाता है, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस या कनाडा। पता है 6 प्रकार के होते हैं टोटल नोबल पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में देते हैं, उनमें से मैं पूछ रहा हूं कि शांति का नोबल प्राइज कहाँ दिया जाता है, स्वीडन में, नॉर्वे में, फ्रांस में या कनाडा में। सीएजी ने बोला है नॉर्वे, सोनल मैम ए बोल रहे हैं, स्वीडन बोल रही हैं, बाकी लोग आंसर दें। नोबल पुरस्कार, हमें पता है कि नोबल पुरस्कार कहाँ कहाँ कौन से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं,
दिव्यांशी जी भी बोल रही हैं, कुमार जी नॉर्वे बोल रहे हैं, नॉर्वे अधिकतर नॉर्वे। जी मैं क्लियर कर देता हूं, आंसर है आपका नॉर्वे। शिवानी जी, हर्ष सर, नितेश जी, पूजा, राम सर, जी करेक्ट है। चिन जी, सदब जी, ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रखें, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में शांति का नोबल पुरस्कार दिया जाता है। करेक्ट सुरेंद्र सर, विवेक जी, सूर्यकांत जी, करेक्ट हैं आप। याद रखें सभी लोग, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में शांति का नोबल पुरस्कार दिया जाता है, करेक्ट। और याद रखें, बाकी के जो नोबल पुरस्कार होते हैं, वो जो नोबल पुरस्कार विजेता होते हैं, उनको स्टॉकहोम, स्वीडन में सम्मानित किया जाता है। सिर्फ शांति का ही नोबल पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में किया जाता है। प्रदीप सर, शाहीन जी, सुनील सर, अंजू जी, अपर्णा मैम, सजल, यशवंत, प्रदीप सर, सभी लोगों के आंसर सही है ना। अधिकतर आंसर आप लोगों के 95% लोगों के आंसर सही है, 95% लोगों ने सही आंसर दिया है। याद रखना, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है। बाकी के जो नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं, उनको सम्मानित कहाँ किया जाता है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोगों के आंसर सही हैं, अधिकतर लोगों के, ऑस्ले। जी सुरेंद्र सर, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान सा क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1902, 1901, 1903 या 1904? सोम जी नहीं बोला है। सुरेंद्र सर, जो स्वीडन है, स्वीडन स्टॉकहोम, वहां पे बाकी के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं सुरेंद्र सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बोल चुका हूं, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1902, 1901, 1903 या 1904? दिव्या मैम ने बोला है डी, मतलब 1904 बोल रहे हैं। सिया जी 1901 बोल रहे हैं। जी सजल जी, नोबल, नोबल एन, एन से नॉर्वे, नॉर्वे, ओ आ गया, ओसले। जी सही बोल रहे हैं सजल आप, अच्छा है आपका अनुमान, ओपिनियन अच्छा है। कीर्ति मैम 1901, कोकिल जी, चिन जी, कोकिल मैम आपके आंसर आने लगे हैं। शिवम सर, राम सर बोल रहे हैं 1901, 1901। जी हर्ष सर बोल रहे हैं, नितेश सर बोल रहे हैं, विवेक सर, शिवानी मैम, जी उपाध्याय जी करेक्ट, शाहिन जी, सोनम मैम, पूजा जी, तनु जी, प्रदीप सर। मैं आंसर रिलीज कर देता हूं, आंसर आप सभी लोगों के सही हैं, 1901 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सुरेंद्र सर ने तो बोल भी दिया कि अल्फ्रेड बनार्ड नोबल, पूरा नाम क्या है इनका, अल्फ्रेड बनार्ड नोबल जो वैज्ञानिक थे, उनकी याद में दिया जाता है। ठीक है, यशवंत सर करेक्ट हैं, दिव्यांशी जी, पुष्पा जी, सुरेंद्र सर जी, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1901 में जो नोबल पुरस्कार है, अल्फ्रेड बनार्ड नोबल वैज्ञानिक की याद में ही दिया जाता है। पूजा मैम, सुनील सर, शशि जी, अंजू मैम, करेक्ट है आप सभी का आंसर। चिन जी, सभी लोगों का करेक्ट है आंसर। एक चीज और याद रखें, अल्फ्रेड बनार्ड नोबल की, इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। इन्होंने ही, जो अल्फ्रेड बनार्ड नोबल है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1835, याद रखना ये डेट, 21 अक्टूबर 1835 में इनने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, 1867 में, 1867 में किया था। जी सूर्यकांत सर, आपके आंसर आ रहे हैं लेकिन मुझे, ठीक है, वेरी गुड, है ना, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े हर तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और यकीन माने इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेशन आप लोग यदि कंप्लीट पूरा करेंगे तो लूस एंड मिसलेनियस हमारा प्रॉमिस ही था, 10 दिन 11 दिन का, जिसमें आपको पूरा याद हो जाएगा, और इसके पहले सेशन में पूरा याद भी कराया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दे रहा हूं, अमर्त्य सेन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर,
तीसरा है चंद्रशेखर वेंकट रमन और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट डेट ऑफ नोबल जी सजल सर, फर्स्ट 1901। सजल अच्छा है आपका ओपिनियन, है ना, वेरी गुड सजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल चुका हूँ, आंसर दें आप लोग। प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अमर सेन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तीसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। जी कोकिल मैम सही बोल रही हैं, टैगोर जी बोल रहे हैं, शिवम सर डी। ठीक है, डेट भी बता दी लोगों ने तो कि 1913 में सम्मानित किया गया था। राम सर मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, कल का गैप भी मिल गया था आप लोगों को, कल हमारा होना था लेकिन कल मेरी क्लास नहीं लगी थी कुछ रीजंस की वजह से। नितेश सर, सिया जी, तनु जी, विवेक जी, सिया सर, पूजा मैम, टैगोर जी, आंसर रिलीज कर देता हूँ। वेरी गुड, 1913 में मिला था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। यशवंत सर, पूजा मैम, कृति मैम जी करेक्ट हैं सभी, स्नेहलता जी। ठीक है, याद रखें इनको सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कौन सी साहित्य की कृति है, उसका नाम था याद रखना गीतांजलि। ऐसे भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, मैं याद करा चुका हूँ, साहित्य विज्ञान ये सब सारी चीजें। वेरी गुड नितेश सर। ठीक है, फर्स्ट वुमेन मदर जी, सोनम जी, शशि जी, सदब जी, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, गीतांजलि। ठीक है, साहित्य है वो, गीतांजलि जो थी है साहित्य के क्षेत्र में मिला था। जी सदब, जी सदब जी, शशि जी, अंजुम मैम, अंजू तमरेली जी करेक्ट है, सभी लोगों के आंसर सही है। पुष्पा मैम करेक्ट है आंसर, सिया जी, गीतांजलि थी जो साहित्य के क्षेत्र में था, गीतांजलि बुक के लिए। जी सुरेंद्र सर जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी लोगों के आंसर सही हैं। 1913 भी याद रखना, 1913 में सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ये डेट भी पूछी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईयर भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी डेट थी जिसमें सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्हें, क्वेश्चन सुनना, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी सजल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है सुरेंद्र सर सही बोल रहे हैं आप, है ना, बता चुका हूं मैं साहित्य। देखें फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्हें 1979 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्हें 1979 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दे रहा हूं, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या कल्पना चावला। 1913 सोनम मैम, 1913 डेट थी, 1913 1913 बोल दूंगा मैं। नीतेश सर ने आंसर दे दिया है मदर टेरेसा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्हें 1979 में, 1979 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ लोग नोट भी करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं नोट करता हूँ या नोट करती हूँ तो सर